पप्पू यादव ने अमित शाह को पत्र लिखकर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। क्या है पूरा मामला, देखिए। बिहार के लाल और फिल्मी दुनिया में बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बनाने वाले सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। रविवार को सुशांत ने सुसाइड कर लिया था, तभी से फिल्म से जुड़े लोगों के साथ राजनेता और सुशांत के परिवार वाले उनकी मौत को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि सुशांत ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब अनुराग कश्यप की फिल्म करने से इनकार किया, उसके बाद से उनको शक था कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके जीवन को खतरा है। इसके बाद करण जौहर ने फिल्म ड्राइव को सिनेमा घरों में रिलीज ना करके इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया। जाप नेता पप्पू यादव ने कहा कि फिल्म बेफिक्रे के लिए पहले सुशांत का चयन किया गया था, लेकिन बाद में उनसे फिल्म छीन ली गई। उन्होंने कहा कि इसी तरह फिल्म रामलीला में संजय लीला भंसाली चाहते थे कि सुशांत फिल्म में राम का किरदार निभाए, लेकिन आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते थे कि सुशांत फिल्म में हो और इसलिए उनसे फिल्म छीन ली गई। पप्पू यादव ने कहा कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। करण जौहर सुशांत को टॉर्चर कर रहे थे। इसके अलावा सलमान खान, यशराज फिल्म्स, साजिद नाडियाडवाला, टी सीरीज, धर्मा प्रोडक्शन ने उन्हें बैन कर दिया था। इन सब बातों से वे काफी दिनों से परेशान चल रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हत्या करार देते हुए जाप अध्यक्ष ने कहा कि आत्महत्या के दो लक्षण होते हैं, मुंह से जीभ का बाहर निकलना और गर्दन की हड्डी का टूटना। ये दोनों लक्षण नहीं पाए गए हैं, इसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए ताकि फिर कोई दूसरा सुशांत अपनी जान ना गवाए।